मात्र कुछ ही घंटे के बाद आपके सामने प्रश्न पत्र जारी किया जाएगा 100 मार्क्स इंग्लिश का। तो आज के इस वीडियो में कुछ चुनिंदे क्वेश्चन यानी जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी कारगर होगा, यहां से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन से सेम टू सेम प्रश्न पत्र में देखने के लिए मिलेंगे। वही सारे क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए अंग्रेजी का जो एग्जाम होता है वहां जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है यानी प्रोज और पोएट्री से जो क्वेश्चन आते हैं वो काफी इजी होते हैं। और आपका व्याकरण से यानी जो आपका ग्रामर से जो क्वेश्चन आते हैं वो एक्टिव पैसिव वर्ब एग्रीमेंट उनके बाद नरेशन और आर्टिकल आता है। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन जो होता है काफी सिंपल होता है। ग्रामर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऊपर जो लॉ होता है रूल्स होते हैं वो ही से आपको क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो ये काफी इजी होते हैं। आपका हिंदी का एग्जाम जिस तरह से अच्छा गया उसी तरह से इससे भी अच्छा आपका जो है इंग्लिश का एग्जाम जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को धैर्य बनाए के रखना है, आप लोगों को पेशेंस से बनाए रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, लोमोक वांट्स टू मैरी ब्लैंक्स यानी लोमोक जो शादी करना चाहते थे वो किससे शादी करना चाहते थे। ठीक है, 2019 में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो वो किससे नातालिया से शादी करना चाहते थे। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट सुनेंगे फर्स्ट नंबर ग्लोबल लैंग्वेज यानी वैश्विक भाषा बन गया है। कौन सा भाषा जो है पूरे दुनिया में बोली जाती है, वो पूरा भाषा जो है पूरा विश्व में बोली जाती है, तो वो हो जाएगा इंग्लिश। यानी इंग्लिश जो है एक बन गया है, क्या बन गया, एक मतलब वैश्विक भाषा बन गया है, ग्लोबल लैंग्वेज बन गया है। और इसको पासपोर्ट लैंग्वेज भी कहते हैं, पता है ना आपको, इसको पासपोर्ट लैंग्वेज भी कहते हैं। और इंडिया में एक ऐसा लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को जोड़ता है, मतलब लिंक लैंग्वेज का काम करता है। ठीक है, पूछे जाते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट जितने भी बोलेंगे वो भी पॉइंट को आप याद रखेंगे। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, व्हिच लैंग्वेज हैज अ ब्राइट फ्यूचर। जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है क्योंकि आप ही के लिए इतना मेहनत की जाती है। और अपने दोस्त में प्लीज अगर जम करके शेयर कर देंगे। व्हिच हैज अ ब्राइट फ्यूचर यानी एक तरह से वो कौन सा लैंग्वेज है, वो कौन सी भाषा है जिसकी जो फ्यूचर है यानी आने वाला जो टाइम है उसका बहुत चमकीला, मतलब एक तरह से खूबसूरत, मतलब उसका फ्यूचर है, तो वो हो जाएंगे अंग्रेजी। यानी अंग्रेजी का जो है फ्यूचर जो होगा क्या है, बिल्कुल ब्राइट है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट सुनेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, एंटोनिम ऑफ एडिक्वेट यानी एंटोनिम का मतलब क्या होता है, विलोम यानी उल्टा। तो एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, एडिक्वेट का मतलब क्या होता है पर्याप्त। और मैंने आप लोगों को बताया था कि एक तरह से इनएडिक्वेट जो होता है अपर्याप्त, इनएडिक्वेट अपर्याप्त, एडिक्वेट पर्याप्त, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, इनएडिक्वेट हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट सुनेंगे पांचवा नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर सिक्स, पूछा गया कि द एंटोनिम ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मैंने आप लोगों को मतलब बताया था, एडवर्सिटी का मतलब होता है आपदा, यानी जो आपदा आती है, बाढ़ हो गया, सुखार हो गया, सुनामी हो गया, सब क्या है आपदा है एडवर्सिटी। तो इसका उल्टा आपको लिखना है, इसका विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो प्रोस्पेरिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि यानी विकास, एक तरह से एकदम पूरा सुख चैन, पूरा माहौल, पूरा क्षेत्र, पूरा चैन में हो। ठीक है, तो इतने से इसका प्रोस्पेरिटी क्या, प्रोस्पेरिटी क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा एडवर्सिटी का, या फिर एडवर्सिटी का एंटोनिम क्या कहलाएंगे, प्रोस्पेरिटी कहलाएंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट सुनेंगे सिक्स नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ आपका स्क्रीन पर, काफी सिंपल क्वेश्चन है। एंटोनिम ऑफ एंटीक्वेट, एंटोनिम ऑफ एंटिक, एंटिक्स ना, एंटिक का मतलब होता पुराना, एंटिक का मतलब क्या होता पुराना, तो आप जानते हैं कि न्यू का मतलब होता नया, तो पुराना का उल्टा क्या हो जाएगा, नया हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट सुनेंगे सेवंथ नंबर क्वेश्चन का। काफी सिंपल लैंग्वेज है, काफी सिंपल लैंग्वेज है, और आप लोगों की तैयारी बहुत जबरदस्त है, बिल्कुल आप लोग शानदार आंसर कमेंट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे क्योंकि आप ही के लिए तो मेहनत की जाती है, प्लीज एक लाइक बनता तो है। ठीक है, अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हिच लैंग्वेज फंक्शंस एज अ लिंक लैंग्वेज बिटवीन टू साउथ एंड नॉर्थ इंडिया। यानी मैंने आपको जस्ट अभी बोला कि साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया जो है ना, साउथ इंडिया के जो लोग हैं वो नॉर्थ इंडिया की रीजनल लैंग्वेज जो है, वहां की जो क्षेत्रीय भाषा है उसको नहीं समझ पाते हैं। तो वहां के लोग, साउथ इंडिया के लोग अंग्रेजी भी बोलते हैं और नॉर्थ इंडिया के लोग भी क्या बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। तो ये दोनों आपस में अंग्रेजी में बातें करते हैं, तो ये दोनों का जो जुड़ाव होता है यानी एक तरह से संपर्क जो होता है वो किसके माध्यम से होता है, अंग्रेजी के माध्यम से होता है, जिसके कारण अंग्रेजी को क्या कहा गया है इंडिया में, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया का लिंक लैंग्वेज कहा गया। बिटवीन साउथ इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया, इंडिया इज अ लिंक लैंग्वेज यानी फंक्शन यानी कार्यकर्ता, फंक्शन यानी कार्य करना, काम करना, तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएंगे। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 8 नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, पूछा गया कि हु आर नोन एज द इंटरनेशनल इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज, इंडियन इंग्लिश राइटर्स। तो इंडियन इंग्लिश राइटर्स जो है वो हो जाएंगे आपका सलमान राशिदी और वी एस नेपुल जो है, सलमान राशिदी और वी एस नेपुल को भारत का राष्ट्रीय अंग्रेजी, भारत का राष्ट्रीय अंग्रेजी लेखक के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, लोमोव वाज द चुबुकोव, लोमोव वाज द ऑफ चुबुकोव, चुबुकोव का लोमोव कौन था, तो वो पड़ोसी था
ना वो किसका मतलब पड़ोसी था, तो 10th तक आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। लोमब वाज द ऑफ चुबुकोव यानी नेबर था, पड़ोसी था, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन 11 पूछा गया कि द डॉग रैन ब्लैंक्स द रोड। ठीक है, यहां देखिए रोड पार करे या फिर मैदान पार करे या फिर कोई रास्ता पार करे, तो वहां पार जो होता है ना, पार जब की बात की जाती है तो वहां एक्रॉस वर्ड यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? एक्रॉस वर्ड यूज किया जाता है। द डॉग रैन अक्रॉस द रोड यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 11th नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 काफी सिंपल क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि कबीर वाज बोर्न ब्लैंक्स हंबल पेरेंट्स, कबीर वाज बोर्न ब्लैंक्स हंबल पेरेंट्स। तो यहां देखिए ब्लैंक्स हम आपको भरना है, तो यहां जो प्रीपोजिशन बैठेगा वो क्या बैठेगा, तो यहां बैठेगा ऑफ, बैठेगा क्या बैठेगा ऑफ, यानी कबीर वाज बोर्न ऑफ हंबल पेरेंट्स यानी कबीर विनम्र माता-पिता से पैदा हुए, यानी कबीर की जो माता-पिता थे वो विनम्र थे, काफी हंबल थे, बहुत अच्छे थे। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 12th नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 वी आर एक्सपेक्टिंग द रिप्लाई ब्लैंक्स इवनिंग, वी आर एक्सपेक्टिंग द रिप्लाई ब्लैंक्स इवनिंग, हर शाम तक जवाब की उम्मीद कर रहे हैं, वह हर शाम तक भी हम लोग हर शाम तक जवाब की उम्मीद कर रहे हैं यानी जवाब में इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो यहां आपको क्या बैठना है, प्रीपोजिशन बैठाना है, तो यहां जो प्रीपोजिशन बैठ जाएगा वो बैठेगा बाय, यानी वी आर एक्सपेक्टिंग द रिप्लाई बाय इवनिंग। चलिए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल शानदार आंसर आ रही है। इसी तरह से आप लोग को कमेंट करना, क्योंकि कमेंट करने से आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा, कॉन्फिडेंस तो चाहिए ना, कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए अगर एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आ जाता है लेकिन वह कॉन्फिडेंस नहीं होने के कारण वहां सोचते हैं कि ए होगा या बी होगा, क्या सही होगा नहीं होगा, कॉन्फिडेंस अगर होगा तो ऐसे चीजों का, ऐसे पल का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस से क्या होता है कि मैन और मतलब आप और निकलेंगे, प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे आपके अंदर जो मतलब एजुकेशन है, जो नॉलेज है वो और निकलेगा, वो और उभर करके सामने आएगा और मजबूत होगा। ठीक है, इसलिए कमेंट कीजिए, कमेंट करने से क्या होता है कि जो आपको पता ही है। ठीक है, अब देखिए 14 नंबर कह रहा है कि द मैन डाइड ब्लैंक्स फीवर, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि फीवर हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, कोलेरा हो गया, तो ये जो डिजीज है ये सब क्या है, डिजीज है मतलब रोग है, और रोग से पहले जो प्रीपोजिशन लगता है वो हमेशा ऑफ लगता है, क्या लगता है ऑफ लगता है, तो यहां क्या लग जाएगा ऑफ लग जाएगा, द मैन डाइड ऑफ फीवर यानी जो मैं आदमी मर गया, किसके कारण मर गया, बुखार के कारण मर गया। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट है, सुनेंगे 14 नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 ब्लैंक्स इज द डॉटर ऑफ चुबुकोव, ये 2020 का बोर्ड मॉडल पेपर के रूप में ये क्वेश्चन आया था कि ब्लैंक्स इज द डॉटर ऑफ चुबुकोव यानी डॉटर ऑफ चुबुकोव कौन था, तो नतालिया था ना, नतालिया उनका बेटी थी ना, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए लोमब इसी से शादी करना चाहते थे नतालिया से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, द लाइन नोर इन द होप, मैं इस उम्मीद में नहीं हूं, द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, ये दुनिया मेरे लिए एक फिटर लव यानी एक अच्छा प्यार दे सकता है, हमको ये अच्छा प्यार दे सकता है, फिर हमारे लिए एक अच्छा प्यार ला सकता है, दे सकता है, प्रोवाइड कर सकता है, मैं इस उम्मीद में नहीं हूं, नोर इन द होप। ठीक है, तो ये जो लाइन लिया गया ये कहां से लिया गया, तो सबको जानते हैं आपको कितना बार प्रैक्टिस कराया गया, ये जो लाइन लिया गया ये कहां से लिया गया, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया, और ये लाइन कौन बोलते हैं, ये बात कौन बोलते हैं, यानी जॉन डन बोलते हैं अपनी पत्नी से, अपनी विलव्ड से, अपनी प्रेमिका से, जो आपका नाम क्या रहता है उनका, ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 16 नंबर क्वेश्चन का। जॉन डन को कौन सा क्या, जॉन डन को किस कवि के रूप में जाने जाते हैं, जैसे कि रूपर्ट बुक को वार पोएट के नाम से जाने जाते हैं, तो जॉन डन को कौन कवि के रूप में जाने जाते हैं, कमेंट करेंगे एनीवन, कमेंट करेंगे, ठीक है, जो कमेंट करेंगे उनका नाम लिया जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, चलिए बिल्कुल आप लोग इसी तरह से कमेंट करेंगे, शानदार आंसर आ रही है, बिल्कुल तैयारी अच्छी है आप लोगों की। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि दैट दाउ लवेस्ट मी एज दाउ सेस्ट, तो ये मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आप जैसे बोलते हैं ना उसी जैसे मेरे हमसे प्यार करते हैं, आप जितना बोलते हैं उससे ज्यादा हमसे प्यार करते हैं, तो ये जो लाइन लिया गया है ये से लिया गया, ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया, यानी ये भी लाइन जो है ये कौन कर रहे हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में ये लाइन जो है कौन कर रहा है, जॉन डन कर रहा है, किससे, अपने पत्नी से, अपनी प्रेमिका से, अपनी बिलव से, अपने क्या कहता है वाइफ से, एंड नंबर से कहते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 17 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 सभी आंसर का देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एंटोनिम ऑफ बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि बेनेवोलेंट का मतलब होता है परोपकारी, परोपकारी है ना, परोपकारी का इसको आप ये भी बोल सकते हैं मतलब दयालु भी बोल सकते हैं, बेनेवोलेंट का मतलब होता है परोपकारी, दयालु। तो देखिए आपको इसका उल्टा करना, एंटोनिम का मतलब कहता है विलोम, तो इसका उल्टा हो जाएगा दुष्ट अपकारी। अब दुष्ट अपकारी के लिए जो अंग्रेजी वर्ड यूज किए जाते हैं वो मेलेवोलेंट का यूज किया जाता है, क्या मेलेवोलेंट, यानी मेलेवोलेंट का मतलब होता है दुष्ट अपकारी, यानी एक तरह से जिसके अंदर दयालु नहीं हो, निर्दयी हो, क्रूएल हो, तो उसको क्या बोलते हैं, मेलेवोलेंट बोलते हैं। तो बेनेवोलेंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, मेलेवोलेंट हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 18 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन 19 काफी सिंपल क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक कर देंगे, बहुत सारे लोग अभी तक हम देख रहे हैं वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज कितना बार बोलेंगे, बीच में बोलेंगे हमको भी सही नहीं लगता, प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, और हाँ अपने दोस्त में प्लीज एक बार जम करके शेयर भी कर देंगे, क्योंकि 100 मार्क्स का जो अंग्रेजी है वो सभी क्वेश्चन से हम चूज करके लाए हैं, वो सभी क्वेश्चन से आपका टॉप 100 क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाए हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, और मैं 100% गारंटी देता हूं, 101% गारंटी देता हूं, यहां से आपको क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, आप मेरे पास मेरे हाथ से लिख करके ले लीजिए। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन को कवर करना जरूरी है, और अपने फ्रेंड्स को भी भेज देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द एंटोनिम ऑफ पैरिटी, पैरिटी का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि पैरिटी का मतलब होता है समांतर, यानी समांतर, यानी एक तरह से समानता, पैरिटी का मतलब होता है समानता, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ पैरिटी, यानी
ऐसी डेवलपमेंट ही होनी चाहिए, यानी पैरेटिव वे में बोलते हैं ना कि नेता लोग कभी पैरेटिव वे में मतलब डेवलपमेंट ही होनी चाहिए, यानी समानता, यानी एक समान रूप से मतलब डेवलपमेंट होनी चाहिए, एक समान रूप से विकास होनी चाहिए, उसमें गरीब भी ना छूटे अमीर भी ना छूटे, यानी सबका समान विकास सबका समान। तो पैरेटी का मतलब होता है समानता, ठीक है। तो इसका आपको एंटोनिम करना, उल्टा करना। तो असमानता का उल्टा क्या होता है हिंदी में? असमानता। और असमानता जो है इसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड यूज किया जाता है जिसको कहते हैं डिसपैरिटी, 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 यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। द एंटोनिम ऑफ पैरेटी इज डिसपैरिटी, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन में कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 आपका स्क्रीन पर। जॉन डॉन इज गोइंग टू ब्लैंक्स लीविंग हिज वाइफ बिहाइंड, यानी जॉन डॉन जो है अपना पत्नी को छोड़ करके, अपना वाइफ को, अपना बिलव्ड को, अपना प्रेमिका को, अपना एनवर को छोड़ करके कहां जाते हैं? वो जाते हैं जर्मनी जाते हैं। कहां जाते हैं? जर्मनी जाते हैं, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। हालांकि जॉन डॉन कहां के रहने वाले हैं? ब्रिटेन के रहने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको पूछ दे कि जॉन डॉन बिलोंग टू तो आपको क्या लगाना? ब्रिटेन लगाना। लेकिन जॉन डॉन जा कहां रहे थे? वो जा रहे थे जर्मनी जा रहे थे। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन 21 पूछा गया कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ मिडिल इंग्लिश पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, यानी तो कह रहा है कि मिडिल इंग्लिश यानी जो मध्यकाल है अंग्रेजी के इतिहास में, जो अंग्रेजी का मध्यकाल की अवधि है वो क्या है? तो मैंने आप लोगों को बताया था इसकी जो काल चली थी 1150 AD टू 1500, यानी एक तरह से 1150 से लेके 1500 तक, ये मतलब क्या था? अंग्रेजी का मध्यकाल है। यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 21 नंबर क्वेश्चन का, एडी का मतलब क्या होता है? आफ्टर डेथ, यानी ईस्वी पूर्व, है ना, ईस्वी पूर्व। एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन में कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर आपका 22 व्हाट आर यू ब्लैंक्स अबाउट, देखिए आपका क्या है आ रहा है। तो सबसे पहले आप ये समझेंगे ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो यहाँ आपका जो क्वेश्चन आया, आपका टाइम एंड टेंसेस से क्वेश्चन आया है, तो हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट इंपरफेक्ट है, यानी प्रेजेंट इंपरफेक्ट का तो ये होता फॉर्मूला होता है, वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज या एम प्लस आर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए देखिए यहाँ इज एम आर आ जाए, इज एम आर जिस भी सेंटेंस में आए तो वहां जो मेन वर्ब होते हैं वो वी फोर में यूज किए जाते हैं, यानी मेन वर्ब का जो फॉर्म होता है वो वी फोर होता है, ठीक है। तो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, यानी आप बात करते हैं, यानी किसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, यानी किस विषय पर बात करते हैं। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कैसे हम पहचाने कि यहाँ टॉकिंग लगेगा? क्योंकि यहाँ को आर से पता चलता है, आर जो है ना इज एम आर, ये हमेशा प्रेजेंट इंपरफेक्ट में यूज किए जाते हैं, और प्रेजेंट इंपरफेक्ट का रूल है सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो बिफोर आएगा इसमें, यहां हमको रूल से पता चल गया तो हम बिफोर में टिक करेंगे, ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया कि मैरीगोल्ड ब्लैंक्स ब्लूम इन समर, ठीक है, यानी आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड यानी जो एक तरह से गेंदा के पुष्प, मैरीगोल्ड किसको, गेंदा का फूल को बोला जाता है, तो गेंदा का फूल को बोला जाता है। यहां जो करेक्ट आंसर देगा हो जाएगा डज नॉट, यानी डज नॉट, यानी आपका बी1 है, ये क्या है बी1 है। तो आप यहां कैसे पता करके मतलब बी1 लगेगा डज नॉट लगेगा, एक तरह से यहां आपको बी1 से पता चल गया कि यहां क्या लगेगा, एक तरह से डज नॉट लगेगा। और जो मतलब एक तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के माध्यम से उसको एक्सप्रेस किए जाते हैं, उनको बोले जाते हैं, ठीक है। तो मेरी गर्ल डज नॉट ब्लूम इन समर, यानी कहने का मतलब ये हुआ गेंदा गर्मियों में नहीं खिलता, यानी गेंदा के जो फूल हैं पुष्प हैं वो गर्मियों में नहीं खिलता। ब्लूम का मतलब होता है फूल का खिलना, ब्लूम का मतलब क्या होता है फूल का खिलना। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 24 व्हिच लैंग्वेज इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, यानी नेटिव लैंग्वेज का मतलब होता है देशीय भाषा। हमारा हिंदी क्या है? देशीय भाषा है, यानी देश में जितने सारे भाषा विकसित हुए हैं, जो देश में जितने सारे भाषाएं बोली जाती है उसको क्या बोलते हैं? देशीय भाषा बोलते हैं। तो वो कौन सी भाषा है जो देशीय भाषा नहीं है? बिल्कुल अंग्रेजी देशीय भाषा नहीं है, हिंदी हमारा तो राष्ट्रीय भाषा है, तमिल भी मतलब तमिलनाडु में बोली जाती है, मलयालम भी दक्षिण भारत का एक यानी भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है। तो ये सब क्या है कि हमारे तीनों की तीनों भाषा देशीय भाषा है, नेटिव लैंग्वेज है, बट ये इंग्लिश नहीं है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 24 नंबर क्वेश्चन का, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन 25 पूछा गया कि व्हिच पीरियड्स नोन एज द चाइल्डहुड पीरियड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि किस काल को अंग्रेजी भाषा के बाल्यावस्था ना, यानी बाल्यावस्था बोलते हैं इसको ना, चाइल्ड पीरियड रूप में जाना जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि चाइल्ड पीरियड जो होता है वो ओल्ड इंग्लिश, यानी बच्चा जब, ओल्ड इंग्लिश यानी जब पुराने जमाने का, देखिए पुराने जमाने का जो मतलब सबसे पहले जब इंग्लिश का विकास हुआ तो वो अभी के लिए क्या हुआ? पुराना हो गया। यानी सबसे पहले जब इंग्लिश का उद्भव हुआ, जो काल चल रहा था सबसे पहला काल, तो वो अभी के लिए क्या हो गया? पुराना हो गया। और सबसे पहला काल तो बच्चा होता है, जब सबसे पहला मतलब जो भी मतलब उद्भव होता है, जो भी जन्म लेता है वो बच्चा ही होता है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? ओल्ड इंग्लिश बोलेंगे। तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड को इंग्लिश का क्या कहा जाता है? चाइल्डहुड पीरियड कहा जाता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 25 नंबर क्वेश्चन का, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन 26 आपके स्क्रीन पर आपके समक्ष। इसी तरह से आप लोग राइट आंसर कमेंट कीजिए, कमेंट बिल्कुल सही आ रही है। देखिए मिस्टेक अगर होंगे, मिस्टेक अगर इस टाइम पर भी अगर आपका मिस्टेक होता है, मैं सभी का कमेंट्स देख रहा हूं, अगर इस टाइम पर भी आपका अगर मिस्टेक होता है तो आप क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट लेंगे। देखिए मैन इज मैनिकन ऑफ मिस्टेक, यानी आदमी जो है एक तरह से गलतियों का पुतला, तो मिस्टेक होगा ही, तो प्लीज उसका क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन 26 में पूछा गया कि व्हिच थिंग हैज एनरिच्ड द वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश, ठीक है, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बोरोइंग, यानी एक तरह से किस चीज ने अंग्रेजी की शब्द वाली, एक तरह से
शब्दावली वोकैबुलरी को समेट किया तो वो हो जाएंगे बोडोइंग यानी रिनदान यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 27 वी आर नाउज एज द यूनिवर्सिटी विट्स वी आर नाउज नॉन एज द यूनिवर्सिटी विट्स ठीक है तो यहां जो विश्वविद्यालय बुद्धि के रूप में कौन जाने जाते हैं तो वो एलिजाबेथ यानी एलिजाबेथ विद्वान को किनको एलिजाबेथ विद्वान को यानी एलिजाबेथ स्कॉलर्स को ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर 28 पूछा गया कि हु वाज द ग्रेट ड्रामाटिस्ट ऑफ द एलिजाबेथ एज यानी एलिजाबेथ एज के टाइम यानी एलिजाबेथ एज का जो जब इरा था वक्त था यानी टाइम था अवधि था उस टाइम सबसे बड़ा जो एक तरह से नाटककार थे ड्रामाटिस्ट थे वो कौन थे तो वो थे आपका कौन शेक्सपियर यानी शेक्सपियर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे क्वेश्चन 29 पूछा गया कि हु रोट द आर्म्स एंड द यानी आर्म्स एंड द मैन ठीक है यानी किसने हथियार और आदमी जो है ये लिखा किसने लिखा ये तो ये जो लिखे थे ये कौन लिखे थे जीबी साउन किसने जीबी साउन ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 30 पूछा गया है कि ब्लैंक्स वांट्स टू ग्लेडली एक्सेप्ट डेथ ब्लैंक्स वांट्स टू ग्लेडली एक्सेप्ट डेथ किसने मतलब तरह से यानी खुशी से मौत को एक गला लगाना चाहते हैं तो वो जॉन डॉन कौन जॉन डॉन ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 31 पूछा गया कि द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज आवर इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अभी का जो मेरा एक तरह से मॉडर्न का जो सिविलाइजेशन है यानी अभी का जो सभ्यता है उसकी सभ्यता की यही खासियत है कि हमारे पास जो वांट्स हैं वो बहुत ज्यादा है तो ये जो लिया गया कहां से लिया गया ये इंडियन सिविलाइजेशन यानी कल्चर से लिया गया जो महात्मा गांधी द्वारा लिखे गए 2019 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था ऑप्शन होगा ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए क्वेश्चन 32 पूछा गया कि आई बिलीव दैट यानी मैं विश्वास करता हूं सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व यानी सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया यानी भारत की जो सभ्यता है ये विकास हुआ है विकसित हुआ है is not to be beaten in the world is from कहने का मतलब ये हुआ कि भारत की सभ्यता एक ऐसा मतलब ऐसे रूप से विकसित हुआ है ऐसे रूप से इवॉल्व्ड हुआ है जिसको दुनिया में यानी वर्ल्ड में कोई बीट नहीं कर सकता कोई नहीं हरा सकता कोई इसको पीछे नहीं छोड़ सकता इससे आगे कोई और जा ही नहीं सकता कोई सभ्यता। तो ये जो लाइन लिया गया ये कहां से लिया गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया ये बात कौन कहते हैं महात्मा गांधी जी कहते हैं कि भारत की सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिसको कोई हरा नहीं सकता दुनिया में कोई इसको बीट नहीं कर सकता है ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए क्वेश्चन 33 पूछा गया कि माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ वाज रिटन बाय देखिए मेरे सत्य के साथ प्रयोग या फिर मेरे सत्य के साथ विचार यानी एक तरह से तालमेल ठीक है तो ये जो लिखे गए ये किसके द्वारा लिखे गए तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ये क्या है ऑटोबायोग्राफी है यानी माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ ये ऑटोबायोग्राफी है किनका महात्मा गांधी जी का ठीक है यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए क्वेश्चन 34 द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन यानी जो एक तरह से एक तरह से बहुत मतलब विश्व का जो प्रसिद्ध अटारी सभ्यता नहीं एटिक सिविलाइजेशन जो है वो ग्रीस की है किसकी ग्रीस की है ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 34 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर 35 द पोएट इज सॉन्ग ऑफ मायसेल्फ ब्लैंक्स फॉर हिमसेल्फ यानी जो पोएट है सॉन्ग ऑफ मायसेल्फ की वो क्या करते हैं अपने लिए गाते हैं चिल्लाते हैं बिल्कुल अपने लिए गाते हैं वो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 36 पूछा गया है कि द ब्लैंक्स ऑफ डेथ आर द विस्पायरिंग नेबर्स यानी जो विस्पायरिंग नेबर्स का मतलब ये हुआ कि एक तरह से पड़ोसी यानी जो मतलब फुसफुसाते पड़ोसी जो है जो भी पड़ोसी रहते हैं वो क्या रहते हैं मैसेंजर रहते हैं डेथ की क्या रहते हैं मैसेंजर रहते हैं दूत रहते हैं ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 36 सॉन्ग ऑफ मायसेल्फ इज रिटन बाय तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कई बार कवर कराया है तो सॉन्ग ऑफ मायसेल्फ इज रिटन बाय वाल्टर विटमैन तो आपका एपिटाफ लिखा रूपर्ट ब्रूक जो आपका द सोल्जर लिखा जॉन डॉन क्या लिखा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे क्वेश्चन 38 शी रश्ट ब्लैंक्स माय रूम यानी देखिए आपको प्री पोजीशन फिट करना है प्री पोजीशन क्या बैठेगा तो यहां जो प्री पोजीशन बैठेगा वो आपको बैठना है तो यहां प्रीपोजिशन क्या बैठेगा 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे इनटू यानी सीरियसली इनटू माय रूम ठीक है यहां तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा एक तरह से वो दौड़कर मेरे कमरे में चली गई ठीक है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 39 पूछा गया कि हिज फ्रेंड्स कंडोल्ड ब्लैंक्स हिम ऑन हिज बेरमेंट यानी एक तरह से क्या हुआ कि उसके उनके दोस्तों ने उनके निधन पर क्या-क्या शोक व्यक्त किया तो यहां जो प्रीपोजिशन बैठेगा वो बैठेगा आपका विद क्या बैठेगा विद। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 40 आई एम सिक ब्लैंक्स द एंटायर एपिसोड तो यहां जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको चीज करना है तो यहां जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका ऑफ यानी आई एम सिक ऑफ द एंटायर एपिसोड यानी मैं पूरे एपिसोड में पूरे एपिसोड तक मैं बीमार रहा जब तक ये एपिसोड चला मैं बीमार रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन 41 काफी सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल आप लोग सही आंसर कमेंट करें झकास कमेंट आ रही है बिल्कुल शानदार चमकदार एकदम कमेंट आ रही है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ही इज ब्लाइंड ब्लैंक्स वन आई यहां देखिए मतलब एक तरह से वो आदमी एक आंख से अंधा है तो आपको इस बात को आप कैसे बोलेंगे तो यहां जो प्रीपोजिशन बैठेगा वो बैठेगा इन यानी ही इज ब्लाइंड इन वन आई
इंडियन युवा ने, वह आदमी एक आंख से अंधा है। ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42, वाल्टर विटमैन एज ब्लैंक वेयर ओल्ड, यानी वाल्टर विटमैन का जो एज था वो कितना था, जो 37 साल के थे वो कितने साल के थे, 37 साल के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43, आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछा गया कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्वड एज द गवर्नर ऑफ ब्लैंक्स, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो मतलब गवर्नर रहे हैं, यानी गवर्नर के रूप में वो भी कार्य किए हैं, कौन से राज्य में, कौन सा स्टेट में, तो ये हो जाएंगे बिहार। बिहार राज्य के वो गवर्नर भी रहे हैं, मतलब राज्यपाल भी रहे हैं, तब वो क्या बने थे, प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन की जो पैदाइश हुई थी कब हुई थी, तो 1897, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, सॉरी 44 है ना, 44 हां 1897 बिल्कुल राइट आंसर है, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 45, चलिए बहुत अच्छी बात, आप लोगों का नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि द डॉक्टर ब्लैंक्स यू इफ यू गो टू, यानी द डॉक्टर ब्लैंक्स यू इफ यू गो टू, तो यहाँ बढ़िया, यहाँ भरवा का जो फोरम होगा वो बैठेगा विल ट्रीट, यानी क्या बैठेगा विल ट्रीट, द डॉक्टर विल ट्रीट यू इफ यू गो टू हिम, यानी गो टू हिम, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप डॉक्टर क्या करेगा, आपका ट्रीटमेंट करेगा। अब देखिए क्वेश्चन देखिए 46, ही प्रोमाइज्ड दैट ही ब्लैंक्स हार्ट, ठीक है, ही प्रोमाइज्ड दैट ही ब्लैंक्स हार्ट, वो वुड वर्क या फिर कैन वर्क या फिर हैज वर्क या फिर डिड वर्क, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वुड वर्क, यानी ही प्रोमाइज्ड दैट ही वुड वर्क हार्ड, यानी वो प्रॉमिस किया, वो एक तरह से मतलब वादा किया कि वो जो वर्क करेगा काफी हार्ड वर्क करेगा, काफी मेहनत करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 47, पूछा गया कि इट ब्लैंक्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन, रेंस, ठीक है, ये आपका 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो यहां देखिए रेंस का आपको फुल ये भरना है, वर्ब फॉर्म भरना है, तो यहां जो भरा जाएगा रेंस हो जाएगा, यानी इट रेंस ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो बरसात के मौसम में, बरसात के सीजन में क्या होती है, बारिश होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 48, पूछा गया ही इज वेरी बिजी, ही इज वेरी बिजी ब्लैंक्स फॉर द जर्नी, ठीक है, बैलेंस फॉर द जर्नी, ठीक है, तो यहां जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा प्रीपेयरिंग, क्या हो जाएगा प्रीपेयरिंग, यानी ही इज वेरी बिजी प्रीपेयरिंग फॉर द जर्नी, यानी वो अपने जर्नी यानी अपना यात्रा की तैयारी करने में पूरा बिजी है, तैयारी करने में पूरा तरह से बिजी है, व्यस्त है। ठीक है, ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 49, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ब्लैंक्स, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ब्लैंक्स, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो प्रेसिडेंट बने, राष्ट्रपति इंडिया के बने, तो वो कब बने थे, तो वो बने थे 1967 में, कब 1967 में, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 50, पूछा गया कि ब्लैंक्स वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, रोल मॉडल का मतलब होता है एक तरह से हम लोग कुछ यानी प्रेरणा स्रोत, जिससे कुछ मिलता है सीखने के लिए हम लोगों के लिए, टीचर जो है क्या है, प्रिंसिपल जो हम लोगों के लिए रोल मॉडल है, हम लोग उससे सीखते हैं, हम लोगों को उनसे सीख मिलती है, तो यानी रोल मॉडल जो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन के वो कौन थे, डॉक्टर राधा कृष्णन वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51, पूछा गया कि द लाइन एंड द प्रॉम्प्ट्स गो रोलिंग ऑन इट फ्रॉम, ये जो लाइन लिया गया द एंड द प्रॉम्प्ट्स गो रोलिंग ऑन, ये जो लिया गया है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्टर से, कहां से, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्टर से ये लाइन लिया गया है। अब देखिए नर्सेस टू द ग्रेव आर गोन, ये जो लिया गया ये कहां से लिया गया, ये 2020 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ये भी आपका लिया गया नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्टर से, यानी नर्सेस टू द ग्रेव आर गोन, यानी जो नर्स है वो चले गए, मतलब कि पैर मतलब चले गए, वो मतलब समाधि में समा गए, ठीक है, तो ये सब चीज बोला जाता है इसमें नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्टर में, ये लाइन आपका नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्टर में से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53, आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया कि द न्यू वैरायटी ऑफ इंग्लिश दैट डेवलप्ड इन अमेरिका इज कॉल्ड अमेरिकन एनर्जी, अमेरिकन इंग्लिश, यानी जो एक तरह से नया प्रकार, यानी भारत एक तरह से सॉरी भारत नहीं, यहां अमेरिका में जो एक तरह से न्यू वैरायटी, यानी जो अलग प्रकार इंग्लिश का जो विकास हुआ, विकसित हुआ, अलग भाषा के रूप में जो विकसित हुआ, अंग्रेजी का एक अलग ही रूप मतलब वहां विकसित हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे, अमेरिकन इंग्लिश बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अमेरिकन इंग्लिश, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 54, पूछा गया कि कलर वर्ड इज रिलेटेड टू COLOU और कलर एक होता है COLOR और कलर, तो कलर वर्ड इज रिलेटेड टू, तो ये जो किससे रिलेटेड है, तो ये हो जाएंगे आपका इंडियन इंग्लिश का, जाएगा इंडियन इंग्लिश, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 55, पूछा गया कि व्हिच लैंग्वेज हैज बिकम अ पासपोर्ट टू जॉब्स इन इंडिया एंड अब्रॉड, यानी एक तरह से भारत और विदेश की में नौकरियों के लिए कौन सी भाषा जो है पासपोर्ट बन गई है, पासपोर्ट भाषा के रूप में कार्य करती है, तो ये जो भाषा है अंग्रेजी भाषा, यानी ये क्या हो जाएगा एक तरह से पासपोर्ट भाषा के रूप में कार्य करती है, अगर आप अंग्रेजी भाषा जानते हैं तो आप विदेश जाएंगे नौकरी के लिए, जॉब के लिए, तो वहाँ जॉब कर पाएंगे, नहीं तो आप अपनी बातों को भी नहीं बोल पाएंगे, आप वहाँ का लैंग्वेज नहीं समझेंगे, जिसके कारण ये क्या बन गया, पासपोर्ट भाषा बन गया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 56, एंड द नाइटिंगेल इज डंब एंड द ब्लैंक्स विल नॉट कम, एंड द नाइटिंगेल इज डंब एंड द ब्लैंक्स विल नॉट कम, तो ये जो लाइन दिया गया यहाँ देखिए आपको भरना है, तो यहां हो जाएगा एंगल, क्या हो जाएगा एंगल, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 57, डब्ल्यूएच ऑर्डन वन द ब्लैंक्स प्राइज इन 1948, यानी डब्ल्यूएच ऑर्डन जो 1948 में जो प्राइज जीते थे वो कौन सा प्राइज जीते थे, ये 2020 में पूछा जा चुका क्वेश्चन, तो वो उनको पुलित्जर प्राइज जीते थे, कौन सा प्राइज, पुलित्जर प्राइज उनको दिया गया था डब्ल्यूएच ऑर्डन को, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 58, अ पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन
रिटन बाय ब्लैंक्स, अ पिंच ऑफ सनफ इज रिटन बाय ब्लैंक्स, यानी अ पिंच ऑफ सनफ जो लिखे गए ये किनके द्वारा लिखे गए, ये मनोहर मेलगन के द्वारा, यानी मनोहर मेलगनकर इज अ राइटर ऑफ अ पिंच ऑफ सनफ, यानी ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया कि द कैट जंप्ड ब्लैंक्स द चेयर, ठीक है, या फिर या क्या बोलेंगे इसको, डैश भी बोल सकते हैं, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा अपॉन, यानी द कैट जंप अपॉन द चेयर, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया कि द वर्क वाज डन ब्लैंक्स द हैस्ट, द वर्क वाज डन ब्लैंक्स हैस्ट, ठीक है, यानी एक तरह से जल्दबाजी में काम कर दिया गया, हैस्ट मतलब जल्दबाजी, ठीक है, तो जल्दबाजी में काम किया गया, तो यहाँ जो भरा जाएगा इन भरा जाएगा, जो बैठेगा मतलब थ्री पोजिशन वो क्या बैठेगा, इन बैठेगा। अब देखिए क्वेश्चन 61 पूछा गया कि आई हैव नो यूज ब्लैंक्स इट, देखिए इट से पहले आपको प्री पोजिशन फिट करना है, तो यहाँ जो प्री पोजिशन बैठेगा वो ऑफ बैठेगा, आई हैव नो यूज ऑफ इट, यानी मुझे इसका कोई फायदा नहीं हुआ, मुझे इसका कोई उपयोग करना नहीं है, मुझे इसका कोई उपयोग करना ही नहीं है, मुझे इससे कोई फायदा नहीं है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया है कि ब्लैंक्स इज अ ह्यूमरस स्टोरी, यानी ह्यूमरस स्टोरी कौन है, तो अ पिंच ऑफ सनफ इज अ ह्यूमरस स्टोरी, अ पिंच ऑफ सनफ इज अ ह्यूमरस स्टोरी, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 63 नानू काका इज एन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, ऑलवेज टू हिज ब्लैंक्स, ठीक है, तो यहां जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका मदर टंग, यानी नानू काका जो एक तरह से इमरजेंसी जो लैंग्वेज होती है, यानी मातृ जबान की मातृभाषा के रूप में जो इस्तेमाल करते हैं वो मात्र एक तरह से इमरजेंसी के रूप में जो तत्काल के रूप में वो भाषा बोलते हैं, तो अपना मदर टंग को बोलते हैं, मातृभाषा को बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 63 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 64 पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे इसका, बहुत सारे लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को प्लीज लाइक कर देंगे, ठीक है, टारगेट है, प्लीज टारगेट को पूरा कीजिए। द सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वाज ब्लैंक्स, यानी जो नानू काका जो सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन है ये किससे मिलने के लिए प्लान किए थे, तो इनसे किससे मिलने के लिए, वे द वेलफेयर मिनिस्टर से, किससे, वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए वो प्लान किए थे, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएंगे 64 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में कितना आ जाएगा 65 पूछा गया कि ऑड टू ब्लैंक्स इज एन ऑड, ऑड टू ब्लैंक्स इज एन ऑड, ठीक है, तो यहां क्या पड़ जाएगा, ऑड टू ऑटम, यहां का जो नाम है पोएम का उसी से आपको पूछ दिया गया है, एक तरह से खंड करके टुकड़ा करके, तो ऑटम भरा जाएगा ना ब्लैंक्स में, ऑड टू ऑटम इज एन ऑड, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएंगे 65 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में कितना आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया कि वाल्ट व्हिटमैन वाज एज वाज एंड और ए, ठीक है, यानी ब्लैंक्स आपको भरना है वो कहां के थे, अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, फिर इंडिया, तो वाल्ट व्हिटमैन जो थे वो कहां के थे, अमेरिका के थे, यानी वो अमेरिकन पोएट थे, क्या थे, वाल्ट व्हिटमैन वाज एन अमेरिकन पोएट, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएंगे 66 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में कितना आ जाएगा 66 पूछा गया कि हु हैज रिटन सी स्टूप्स टू कंक्योर, यानी वो जीतने के लिए रुकी है, सी स्टूप्स टू कंक्योर, यानी ये जो लिखे हैं कौन लिखे हैं, तो ये लिखे हैं ओलिवर गोल्डस्मिथ, कौन, ओलिवर गोल्डस्मिथ, ये लिखे हैं कि हु वाज रिटन, तो ओलिवर गोल्डस्मिथ इज रिटन द सी स्टूप्स टू कंक्योर, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 67 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 68 पूछा गया है कि ब्लैंक्स वाज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर, यानी एक तरह से प्रकृति से बहुत ज्यादा लगाव था उनका, प्रकृति से बहुत मतलब प्यार करते थे, बहुत अच्छा चाहते थे, प्रकृति के बारे में तारीफ करते थे, कौन थे वो, तो वो थे जॉन किट्स, यानी जॉन किट्स को क्या बोलते थे, जानते थे, एक तरह से रोमांटिक पोएट बोले जाते हैं इनको, ठीक है, तो नेचर, यानी जॉन किट्स वाज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की 969 की ओर बढ़ा जाए, जॉन किट्स इज अ ब्लैंक्स पोएट, जॉन किट्स इज अ ब्लैंक्स पोएट, तो जस्ट अभी हमने बोला कि रोमांटिक पोएट, यानी जॉन किट्स को किस पोएट के नाम से जाने जाते हैं, रोमांटिक पोएट के नाम से जाने जाते हैं, मेटाफिजिकल पोएट आपका जॉन ग्रिन हो जाएगा, वार पोएट आपका क्या हो जाएगा, रूपर्ट टेबुर्ग हो जाएगा, ठीक है, पूछे जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 70 पूछा गया कि टू ऑटोमन इज रिटन बाय किसके द्वारा, जॉन किट्स के द्वारा लिखे गए ना, तो जॉन किट्स के द्वारा लिखे गए, टू ऑटोमन इज रिटन बाय जॉन किट्स, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन कितना हो जाएगा 71 पूछा गया कि द प्रोज पीस इज ब्लैंक्स इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है, यानी कौन सा स्पीच जो है वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा मतलब डिलीवर्ड किए गए, मतलब दिए गए, तो मार्टिन लूथर किंग यानी एमएलके जूनियर के बारे में आपको पूछा गया, एमएलके इसका शॉर्ट फॉर्मेट, एमएलके भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, तो ये जो आपका क्या है, आई हैव अ ड्रीम, यानी आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है जो डिलीवर्ड किए गए, जो दिए गए किनके द्वारा, मार्टिन लूथर किंग के द्वारा दिए गए, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 72 पूछा गया है कि साइंस ब्लैंक्स आवर ओपिनियन, यानी साइंस इफेक्ट आवर ओपिनियन, यानी साइंस जो है हमारे ओपिनियन पर, हमारे विचार पर क्या डालते हैं, प्रभाव डालते हैं, वे एक तरह से असर डालते हैं, साइंस बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा फैकल्टी है, उनको पढ़ेंगे तो आपका विचार क्या होगा, ग्रो होगा, आपका विचार में चेंजिंग आएगा, वो आपके विचार पर, आपके थॉट पर, आपका ओपिनियन पर क्या डालेगा, प्रभाव डालेगा, इफेक्ट डालेगा, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 72 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर
73 क्वेश्चन में 73 आपका स्क्रीन पर काफी सिंपल क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि सानिया मिर्जा ब्लैंक्स टेनिस, सानिया मिर्जा ब्लैंक्स टेनिस, तो घड़िया यहां क्या भरा जाएगा, इसको आपको क्या करना है, भर में फॉर्म भरना है। तो 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका प्लेइंग, क्या हो जाएगा 73 का राइट आंसर प्लेइंग, यानी सानिया मिर्जा प्लेइंग टेनिस, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे, क्वेश्चन में कितना हो जाएगा प्लेइंग होगा, सॉरी प्लेज होगा, यानी सानिया मिर्जा प्लेज टेनिस, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 74 चिल्ड्रन ब्लेस्ड टू गो स्कूल एवरी डे, देखिए एवरी डे आया, एवरी मंथ आया, एवरी मॉर्निंग आया, तो ये जो वर्ड है ना ये सब वर्ड को प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल किया जाता है, कहां प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट बी1 या बी5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो सब्जेक्ट बी1 या बी5 प्लस ऑब्जेक्ट इसका फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला पर बेस्ड होगा ये सेंटेंस। चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन आपका क्या है, चिल्ड चाइल्ड मतलब होता है बच्चा सिंगुलर, चिल्ड्रन आपका क्या है सिंगुलर प्लुरल, यानी बच्चे, तो सिंगुलर बच्चे या प्लुरल है, तो प्लुरल के साथ प्लुरल वर्ब लगेगा, भर्ब लगेगा, और हर वर्ब जो होता है पहले से वो प्लुरल फॉर्म में होता है, बी1 जो होता है वो प्लुरल फॉर्म में होता है, तो भी वन आपका यहां लगेगा, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, ठीक है, तो यहां आपको गो भर देना है, चिल्ड्रन गो टू स्कूल एवरी डे, बच्चे हर दिन स्कूल जाते हैं, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 74 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्या लगेगा क्वेश्चन 75, पूछा गया कि द एंग्री टाइगर ब्लैंक्स ऑन द यूथ, ब्लैंक्स ऑन द यूथ, ठीक है, तो यहां जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा पाउंस्ड, पाउंस्ड का मतलब होता है इतने से झपटा मारना, ठीक है, यानी गुस्साए टाइगर ने, एंग्री टाइगर ने व्यू पर क्या किया, झपटा मारा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 76, पूछा गया कि द प्रेसिडेंट ब्लैंक्स टुमारो, द प्रेसिडेंट ब्लैंक्स टुमारो, देखिए जो भी मतलब कार्यक्रम होते हैं, जो भी आने वाला कार्यक्रम होता है, कल वाला कार्यक्रम, वो अगर फिक्स होता है इनको टाला नहीं जा सकता, देखिए प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, इनके कार्यक्रम को टाला नहीं जा सकता, अगर वो आ रहे हैं तो आएंगे कोई सभा करने के लिए, तो इनको जो दर्शाया जाता है तो वो हमेशा जैसे ऐसी बातें जब भी बोली जाती है, ऐसी बातों को बोलने के लिए हमेशा भविष्य में आने वाले कुछ ऐसा प्लान जो फिक्स हो कुछ ही दिन के अंदर लगे कि अभी जस्ट हो रहा है, अभी होने वाला है तुरंत, ठीक है, वो बातों को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस यूज किया जाता है, ठीक है, और फॉर्मूला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, आपको पता है सब्जेक्ट बी1 या बी5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो यहां द प्रेसिडेंट क्या है सिंगुलर है, तो द प्रेसिडेंट के साथ आपका बी5 लगेगा क्योंकि सिंगुलर है आपका ये, तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा और बी5 क्या होता है सिंगुलर होता है, तो यहां क्या लगेगा अराइव्स लगेगा, यानी द प्रेसिडेंट अराइव्स टुमारो, यानी जो प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति हैं वो कल आ रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 77, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ब्लैंक्स, जूनियर बिलोंग टू ब्लैंक्स, यानी मार्टिन लूथर किंग कहां के रहने वाले थे, ये जो रहने वाले थे ये कहां के, दी यूएसए, यानी यूएसए के रहने वाले थे। अब देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 78, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अ ब्लैंक्स, ये वो नेग्रो थे, क्या थे नेग्रो थे, यानी एक तरह से नेग्रो लोग, यानी एक तरह से वहाँ अमेरिका में ब्लैक और ब्लैक एंड व्हाइट में नफरत चल रहा था, मतलब उनमें भेदभाव चल रहा था, तो नेग्रो लोग मतलब काले लोग थे और वो अलाबामा स्टेट में रहते थे, अलाबामा स्टेट में उन लोगों का मतलब जमा हो रहा था, ठीक है। हु सेड माय चिल्ड्रन विल नॉट जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर करेक्टर, ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे बच्चे को आप जज नहीं कर सकते कि उसका स्किन का कलर कैसा, लेकिन हाँ आप इस बात पर, मेरे बच्चे इस बात पर जज किए जाएंगे कि उनके अंदर करेक्टर कैसी है, उनके अंदर क्या कंटेंट है, क्या खाबी है, क्या खूबी है, क्या खाबी है, क्या जानते हैं क्या नहीं जानते, इस पर वो जज किए जाते हैं, लेकिन कलर के साथ से मेरे बच्चे के साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते, ये जो कहते हैं ये कहते हैं मार्टिन लूथर किंग, कौन कहते हैं मार्टिन लूथर किंग, हु सेड, कौन कहे, तो मार्टिन लूथर किंग कहते हैं, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया कि आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, द लाइन आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन इज फ्रॉम, यानी मैं सोचता हूं वो बहुत खूबसूरत लेडी थी, बहुत खूबसूरत औरत थी, तो ये जो है ये कहां से लिया गया, तो एनिपिटाफ से, कहां से एनिपिटाफ से, वाल्टर डेलावेयर सोचते हैं ना कि वो मतलब उन लेडी से खूब चाहते हैं उनको, वो उनके बारे में हमेशा तारीफ करते हैं, यानी प्रेस बोलते हैं, ठीक है, प्रेस करते हैं उनके बारे में, तो वो सोचता है कि ये जो लेडी थी ये सबसे ज्यादा खूबसूरत लेडी थी। अब देखिए क्वेश्चन 81 पूछा गया कि who has written a number of poems for children, यानी बच्चों के लिए बहुत सारी कविताएं किसने लिखी है, तो ये जो बहुत सारी कविताएं बच्चों के लिए जो लिखी है वो कौन लिखी है, वाल्टर डेलावेयर, कौन वाल्टर डेलावेयर। अब देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 82, एन एपिटाफ इज रिटन बाय वाल्टर डेलावेयर, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एन एपिटाफ इज रिटन बाय वाल्टर डेलावेयर, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 83 पूछा गया कि वाल्टर डेलावेयर न्यू अ ब्लैंक्स हु इज नाउ डेड, यानी वाल्टर डेलावेयर किनको जानते थे जो अभी डेथ कर गए हैं, तो वो लेडी को जानते थे ना, एक लेडी को, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, क्वेश्चन 84 पूछा गया कि द टैमिंग ऑफ ब्लैंक्स एनिमल्स मेड लाइफ मच प्लीजेंट, 2020 का ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो डोमेस्टिक क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक यानी पालतू जानवर को, द टैमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मेड लाइफ मच प्लीजेंट, यानी पालतू जानवर को पालने से आदमी का जो जीवन है वो और प्लीजेंट हो गया, आदमी का जो जीवन है और वो खुशगवार हो गया, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 84 हु गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950, यानी 1950 में किसको साहित्य की मतलब प्राइज दिया गया, मतलब पुरस्कार
पुरस्कार दिया गया था वो किनको दिया गया था, तो 85 को जो करेक्ट आंसर जाएंगे बर्टन एंड रसेल, किनको बर्टन एंड रसेल को 1950 में लिटरेचर में प्राइज दिया गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 86 पूछेगा कि हु रोट व्हाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, व्हाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, किसने लिखा कि मैं एक क्रिश्चियन क्यों नहीं हूं, तो ये जो लिखे थे ये बात को किसने लिखे थे, ये लिखे थे बर्टन एंड रसेल ने, कौन बर्टन एंड रसेल ने, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 87 काफी सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। लेट अस हैव ब्लैंक्स स्मोक नाउ, यहां देखिए आपका जो प्रीपोजिशन या आर्टिकल फिट करना है, तो आर्टिकल जो बैठेगा वो ए बैठेगा, क्या बैठेगा यानी लेट अस हैव स्मोक नाउ, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 88 पूछा गया कि दिस रूम इज फुल ऑफ ब्लैंक्स स्मोकर, यहां देखिए स्मोकर से पहले आपको आर्टिकल बैठाना है, तो यहां कोई आर्टिकल नहीं बैठेगा, स्मोकर से पहले कोई आर्टिकल नहीं बैठेगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 89 पूछा कि राम इज नॉट ब्लैंक्स पॉपुलर लीडर, राम इज नॉट, देखिए यहां आपको आर्टिकल फिट करना है, तो यहां जो आर्टिकल बैठेगा ए बैठेगा, क्या बैठेगा ए बैठेगा, राम इज नॉट अ पॉपुलर लीडर, राम जो है एक तरह से पॉपुलर लीडर नहीं है, यानी एक तरह से जो सबके लिए पॉपुलर होता है सबको चाहते हैं वो ऐसा लीडर नहीं है, ऐसा नेता नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 90, ही प्लेस टेबल, ही प्लेस टेबल, यानी देखिए आपको ए लगेगा, एल लगेगा, फिर द लगेगा, तो यहाँ जो यह जो एक तरह से प्रीपोजिशन यानी फिट जो बैठेगा यहाँ क्या बैठेगा, यहाँ आपका आर्टिकल द बैठेगा, ठीक है। ही प्लेस टेनिस, ही प्लेस द टेनिस, टेबल नहीं होगा, ठीक है, टेनिस हो जाएगा। अब देखिए देखिए क्या हो जाएगा क्वेश्चन 91, Have you seen blanks the fort? Red fort. क्या मतलब इससे पहले आपको क्या करना है, मतलब preposition फिट करना है, तो यहाँ जो preposition लगेगा वो लगेगा the, ये रेड फोर्ट है, लाल किला क्या है कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन, एक तरह से मतलब जो फेमस चीजें होती है, लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, उसके बाद हिमालय हो गया, उससे पहले क्या लगता है द लगता है, ठीक है। तो have you seen the red fort, क्या तुमने ताजमहल देखा है, क्या आपने ताजमहल देखा है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 92, eggs are sold by blanks dozen, यहाँ देखिए dozen से पहले आपको क्या करना है आर्टिकल भरना है, तो यहाँ जो आर्टिकल बैठेगा वो द बैठेगा, ठीक है। eggs are sold by the dozen, यानी eggs जो है दर्जनों में बेचे गए, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 93 काफी सिंपल क्वेश्चन है, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज रिटन बाय, यानी विचार जो है आदमी के जीवन में बहुत ज्यादा हेल्प किया है, सहायता किया है, आदमी का विचार आगे बढ़ता गया, आदमी और तरक्की करता गया, आदमी का विचार आया, आदमी को विचार आया कि आग की खोज होगी, आग का खोज किया, उनका विचार और बढ़ा, आगे बढ़ते बढ़ते आदमी यहां तक पहुंचा, ठीक है। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज रिटन बाय, तो ये जो लिखे गए ये लिखे गए बर्टन एंड रसेल के द्वारा, किनके द्वारा, बर्टन एंड रसेल के द्वारा। अब देखिए क्वेश्चन 94 पूछा गया कि द इमेजेस एंड पेजेस ऑफ ब्लैंक्स रन थ्रू बोथ इज द स्टैंडर्ड्स, तो यहां जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपको भरना है 94 का, वो जाएगा आपका इंग्लैंड, क्या हो जाएगा इंग्लैंड। अब देखिए कितना हो जाएगा 95, काफी सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, द बेस्ट स्टैंड्स फॉर द ब्लैंक्स, तो ये हो जाएंगे आपका फार्मर, ये हो जाएंगे सोल्जर, क्या हो जाएंगे सोल्जर, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 96, द सोल्जर इज रिटन बाय, किनके द्वारा लिखा गया, द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक वार पोएट, इन्हीं को वार पोएट कहते हैं ना, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 97, द पूछा गया है कि द सोल्जर इज अ ब्लैंक्स पोएट, वार पोएट है, कैसा पोएट है, वार पोएम एक प्रकार का युद्ध कवि है, यानी सैनिकों के बारे में उसमें जिक्र किया गया, कहा गया है। अब देखिए क्या हो जाएगा क्वेश्चन 97, 98, साहिबी वाज स्पेशली इंटरेस्टेड इन ब्लैंक्स, यानी साहिबी को मतलब किसमें इंटरेस्ट था, यानी पूरा प्रभावशाली से, तो वो किसमें, गॉड्स में, यानी कद्दू यानी लौकी में उनको इंटरेस्ट था, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा जा चुका है। अब देखिए क्वेश्चन 99 पूछा गया कि शिगा नोया इज अ ब्लैंक्स राइटर, वो जापानीज राइटर थे, शिगा नोया कहां का राइटर है, जापानीज राइटर है, यानी ये क्वेश्चन आपका 2019 में भी पूछा जा चुका है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि साहिबी रीड्स एट ब्लैंक्स स्कूल, साहिबी कौन सा स्कूल में पढ़ते थे, वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, कौन सा स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट।